गाड़ी में बिठा लिया, हमारा कोई था नहीं, मामले होते नहीं, उनका कोई ना रिश्तेदारी ना दोस्ती ना दुश्मनी, के मैनेजर एस के अग्निहोत्री को 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक गणेश कोरी द्वारा जो है 23 तारीख को शिकायत की थी कि जो उसका जो पेट्रोल पंप है कर्रापुर में, उसमें NOC जारी करने के लिए NHAI के मैनेजर द्वारा 1,50,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, सही होने पे आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए किसको गिरफ्तार किया है? SK अग्निहोत्री, सुरेश कुमार अग्निहोत्री। जो भी आज हमारा ऑफिस में जो हुआ, दुर्भाग्य स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारा मैनेजर द्वारा ऐसा होना बहुत सिंचित है, दुखी का बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कब से चल रहा था? कब से नहीं रहते आपके नाम पता नहीं, आज ये केस में वो पता चलेगा। आपको कितना मिलता था इसमें से? आप लोगों को मालूम है हमारा वर्किंग, आपको नहीं मिलता रहता है वैसा बात नहीं, आप तो हर आपके नाम के लिए थी ये पैसे, हर समय आप लोग इधर आ रहा है मार्केट में, तो आपका हल्ला कि आपके नाम का एक पैसा हुआ पेट्रोल पंप, जितने भी पेट्रोल पंप है सबसे पैसे लिए गए, कई पेट्रोल पंप ने यही बताया कि 1,00,000 रुपए लिए आपके नाम के लिए, आपके 2,00,000 से नीचे काम नहीं कर रहे। अब आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? मैंने SK अग्निहोत्री जी ने मेरे से 1,50,000 रुपये रिश्वत मांगी थी NOC जारी करने के लिए, पेट्रोल BPCL पेट्रोल पंप के लिए NOC जारी करने के लिए, इन्होंने 1,50,000 रुपये मेरे से रिश्वत मांगी। आज कैसे दी? आज इन्होंने बोला कि बैठो गाड़ी में, चलो चाय पी के आते हैं, इन्होंने फिर मेरे से 1,00,000 रुपये लिए, 1,00,000 रुपये लेते हुए ये ट्रैक पाएंगे। कहाँ से पकड़ी है, कहाँ पर ले रहे हैं? ये यहाँ से मेरे को बैठा के ले गए थे, बस स्टैंड तक जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रोकी थी यहाँ पे भी, मतलब उसी टाइम सब लोग आ गए, तो फिर वहाँ से हम लोग। आपने पूरा घटनाक्रम बताओ किस तरीके से हुआ था? मेरे से इन्होंने 1,50,000 रुपये मांगी थी, डिमांड करी थी 1,50,000 रुपये, बोले जिसमें बाबू को देना पड़ता है, नहीं उनका मतलब इस तरीके से जिक्र किसी का नाम लेके नहीं किया, बोले बाबू लोगों को देना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है, तो मैंने लोकायुक्त महोदय से शिकायत की कि साहब ऐसा ऐसी बात है। कब से परेशान थे आप? मैं सर 8 नवंबर को इनके लिए आवेदन दे गया था, तो तभी से मतलब ये 17 तारीख को मेरी बात हुई, तो 17 तारीख को इन्होंने मतलब PD साहब ने बोल दिया कि NOC जारी हो जाएगी, तो उसके बाद से इन्होंने पैसे की डिमांड जारी।